मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर बीती देर शाम मिस्टर एंड मिस नॉर्दर्न का सेमी फिनाले आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तरी भारत के चयनित 132 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 60 प्रतिभागी इसी माह होने वाले फिनाले में अपना जलवा बिखेरेंगे। कार्यक्रम का आयोजन फीट ऑफ फायर अकादमी द्वारा करवाया जा रहा है। सेमीफिनाले में फीमेल जजमेंट पैनल में हिमाचल से मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में पहचान बना चुकी अनुष्का दत्ता और मेल जजमेंट पैनल में जाने माने मॉडल बेन एम विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई नामी कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। आयोजक अमित भाटिया ने बताया कि फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी श्वेता शारदा विशेष रूप से मौजूद रहेंगी। फिनाले में विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को देश की नामी टॉप 5 मॉडलिंग कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ से हम लोग 2020 बच्चे आगे लेके जाएंगे फिनाले में, और फिनाले हम नवम्बर महीने में ही करेंगे, और उसके ग्रैंड फिनाले में जैसे हमने बताया था कि मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा जी आ रहे हैं, और सेमीफिनाले के जजमेंट पैनल में थे हमारे अनुष्का दत्ता जी जो मिस यूनिवर्स हिमाचल रहे हैं, और इसके साथ में वो मिस यूनिवर्स इंडिया में फाइनलिस्ट रहे हैं। तो जो भी हमारे बच्चे फाइनल में जाएंगे उनको हमने पहले कहा है कि टॉप 10 बच्चे जो भी जाएंगे उनको हम अच्छी एजेंसी में काम दिलाने का प्रयास करेंगे, बिकॉज इससे पहले भी हमारे काफ़ी मॉडल ऑलरेडी एजेंसी में काम कर रहे हैं। सेमीफिनाले में प्रतिभागियों में जुबल से आई स्नेहल रावल व कुल्लू की शगुन नेगी ने बताया कि सेमीफिनाले के बड़े मंच पर उनका ये पहला अनुभव रहा है, जिसमें उन्हें मॉडलिंग से संबंधित बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। इस दौरान मिस्टर एंड मिस नॉर्दर्न सेमी फिनाले में आयोजकों द्वारा प्रदेश भर के विभिन्न विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। सो इट वॉज वेरी नाइस, वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी लाइक एक्साइटिंग एंड इट्स लाइक एनकरेजिंग कि लाइक कोई हमारे को हिमाचल में जहाँ पे इस कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है और लोग साथ भी नहीं देते इन सब चीज़ों के लिए, स्टिल देर आर सम पीपल जो यहाँ पे लड़कियों का टैलेंट, लड़कों का टैलेंट, बच्चे छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, इन सब चीज़ों के लिए टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। सो इट वॉज वेरी नाइस। इसके ऑडिशन हो रहे हैं अगस्त से, और तब से हम बहुत एक्साइटेड थे कि कब हमारा सेमीफिनाले होगा। अलग अलग जगह पर जाके ऑडिशन हुए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आई एम द ऑनलाइन कंटेस्टेंट, और हमारी जो ग्रूमिंग होती थी वो भी ऑनलाइन होती थी, क्योंकि हम सब बहुत दूर दूर के थे और हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत बड़े लेवल का था।